हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल भारद्वाज, फाउंडर ऑफ एजुकेशन ऑर्बिट यूएसए इंडिया। एंड आज हमारे साथ हैं जुनैर, इनके भाई, जिन्होंने एडमिशन लिया हमसे तबीयत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में। तो थोड़ा सा फीडबैक हमारा लेते हैं भैया से कि हमारी साइड से क्या हमारा रोल रहा था, ये बताइए। पहले आप ही बताइए भैया, आप बड़े भाई हैं। हेलो, मोहम्मद वासिफ नाम है मेरा और ये मेरे छोटे भाई हैं जुनैर, जिनका हमने MBBS में एडमिशन करवाने के लिए विपुल भैया की जो कंसल्टेंसी है ऑर्बिट कंसल्टेंसी, वो इसके माध्यम से हम इनके संपर्क में आए और इनसे हमने सब चीज़ों की इंक्वायरी करी, पता किया। हम 2 महीने पहले यहाँ पर आए थे, फिर उसके बाद में एक बार फिर आए, फ़ोन पे बहुत बार हमारी इनसे बात हुई, इनसे हुई, इनके टीम में और भी तहसीन भाई हैं और भैया हैं, सब लोग से हमारी बात हुई, पूरा फुल सेटिस्फेक्शन हमें मिला। हर चीज़ इन्होंने हमें क्लियरली यहाँ पर सारी बता दी, जैसा है जो भी कुछ है हर तरह से हमारी हेल्प करी। और इसके अलावा जो इनके जो चार्जेस वगैरह हैं, फीस स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें उन्होंने हमें क्लियरली यहाँ पर सारा कुछ बता दिया। और बाकी हम आगे उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में जब रशिया पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमारे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ भी जैसे इन्होंने बोला वैसी सर्विसेज देंगे, अच्छे से इनको वहाँ पर सब सेटल करवा कर आएंगे। और इन फ्यूचर अगर हमारी कोई भी से कोई मतलब कोई डिमांड रहेगी, हमारी कोई काम पड़ेगा, कोई जरूरत होगी, तो हमारे साथ में खड़े हुए होंगे, हर मोड़ पे हमारे भाई की हेल्प करेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनको गाइड करेंगे और बड़े भाई की तरह एक गार्जियन की तरह इनको सुपरवाइज करेंगे। तो मैं भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम डिली नहीं करते बेसिकली, अब जितने भी ग्रुप में बच्चे होते हैं सारे छोटे भाई बहन की तरह, इनसे मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को सर या वैसे ट्रीट करो, हमेशा है कि भाई भैया बोला करो मेरे को कि भाई भैया कुछ भी है कि ये इश्यू बताओ। आप बता दो जुनैद। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद जुनैद, और मैं जब मेरा नेट का एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने काफी सारी रिसर्च करी, काफी सारी कंसल्टेंसीज में बात करी, तो ज्यादातर मोस्टली जो कंसल्टेंसीज थी वो बेहतर थी लेकिन ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे वो। मतलब ऐसा रहता है कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह तो भेज देते हैं लेकिन उनका जो अपना कंसल्टेंसी चार्जेस रहते हैं वो बोलते कुछ हो रहे हैं और होता कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर तहसीन भाई मिले, विपुल भैया मिले, तो पहले तहसीन भाई से बात हुई मेरी, उसके बाद विपुल भैया से मिलवाया इन लोगों ने, तो जब मैं इनसे मिला तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया था, तो तभी मैंने फाइनल कर दिया था कि जाना है तो ऑर्बिट एजुकेशन से जाना है। उसके अलावा तहसीन भाई एक बार आप भी एक बार तहसीन तहसीन नाम आ रहे देख कर ले हमारे, और इन्होंने हमें भैया से मिलाने के लिए और हमारे सब चीजों में काउंसलिंग में बहुत हेल्प करी है। तो वेलकम था। ओके।